जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन, बड़ी खुशखबरी, 5100 रुपये बुजुर्गों के खाते में आएगी पेंशन, 60 लाख परिवारों को मिलेगी इसकी खुशखबरी। आपको बता दिया जाए कि समाज कल्याण विभाग में भी बुजुर्गों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। हरियाणा में ऐसे बुजुर्ग हैं, 20,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन रोकी अथवा काटी गई है। उन्हें जनवरी महीने से बुढ़ापा पेंशन जैसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में नया पेंशन की 2024 में सरकार बनते ही नया पेंशन ने 250 की बढ़ोतरी की है, लेकिन उस बढ़ोतरी का क्या मूल है जब हम लोगों की बुढ़ापा पेंशन ही हम लोगों के खाते में नहीं आ रही है। हरियाणा में फिलहाल बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि हमारी पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए और नई पेंशन में जो आपने बढ़ोतरी की है उसमें भारी बढ़ोतरी कर आप हमें लोगों को बड़ा तोहफा दीजिए। आपको बता दिया जाए कि नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन से पहले सभी बुजुर्गों के खाते में 5100 रुपये डालने के दे दिए बड़े आदेश। कहा कि बुजुर्गों के खाते में सीधा 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी और वो जिला वाइज जिला सभी के खाते में आनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा में उन्हीं के खाते में बुढ़ापा पेंशन आएगी जो इस दायरे से कम की कमाई करते हैं, 3.5 लाख तक, और जिनकी कमाई इससे अधिक है उन्हें बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो गलत स्रोतों से बुढ़ापा पेंशन और कई योजना का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों जुड़े रहे दिन से, धन्यवाद।